हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पांचवी कक्षा की हिंदी की क्लास में। पिछले वीडियो सेशन में हमने पार्ट 13 इसके पहले दृश्य की चर्चा की थी, जिसमें जंगल के आसपास कुछ बच्चे और नन्हे जानवर घास पर खेल रहे होते हैं और एक बूढ़ा आदमी भी वहां बैठा हुआ होता है। तभी एक बच्चा बूढ़े आदमी से पूछ लेता है कि बाबा, पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है? तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है, क्योंकि पेड़ हमें फल फूल देते हैं, पेड़ हवा को साफ रखते हैं और बादल भी बनते हैं, इसलिए पेड़ हमारे लिए जरूरी है। तभी बच्चे कुछ लकड़हारे को कुल्हाड़ी लेकर आते देख लेते हैं और सब चिंतित हो जाते हैं। सभी चिंतित हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे और हम फिर नया घर कहाँ बनाएंगे। ऐसे हाथी और बंदर को भी चिंता होती है कि हमारे पेड़ ही छिन जाएंगे, और हाथी सोचता है कि मैं पेट कहाँ खुचाऊंगा। तभी लकड़हारे पहुंच जाते हैं। बच्चे उन्हें बहुत समझाते हैं कि पेड़ हमारे दोस्त हैं, मगर वो नहीं मानते और पेड़ काट कर ले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य, चारों ओर बहुत सी गाड़ियां, धुआं छोड़ते कारखाने और खांसते हुए लोग देखकर सभी बहुत परेशान है। तो यहाँ का वातावरण कैसा है कि चारों ओर गाड़ियां हैं और कारखाने, और ये जो गाड़ियां हैं उनमें से भी धुआं निकल रहा है, इसकी वजह से लोग खांसते हैं, इसलिए सब बहुत चिंतित है। बूढ़ा आदमी, देखो चारों ओर कितना बुरा हाल है, गाड़ी मोटर कल कारखाने धुआं उड़ा रहे हैं और शुद्ध हवा को दूषित कर रहे हैं। ये सब देखकर बूढ़ा आदमी समझाता है कि देखो, ये कल कारखाने मोटर गाड़ी ये सब जो धुआं उड़ा रहे हैं, उसकी वजह से हवा एकदम गंदी हो जाती है, गंदी मतलब कि पोल्यूटेड हो जाती है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर वहां बहुत से बच्चे आ जाते हैं। एक बच्चा, हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर अब हम हवा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? यहाँ शुद्ध का मतलब होगा साफ, प्योर। तो एक बच्चा पूछता है कि अब ये हवा को हम कैसे साफ कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी सोचते हुए, हवा को शुद्ध करने के लिए हमें स्वयं ही प्रयत्न करने होंगे, इसके लिए गाड़ी मोटर कम करने होंगे और पेड़ लगाने होंगे। तो बूढ़े आदमी ने उसका क्या उपाय बताया कि हवा को शुद्ध करने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ उगाने चाहिए और ये जो गाड़ी मोटर बस ये सब कम कर देने होंगे। बच्चा आश्चर्य से मतलब हैरान होकर, सरप्राइज्ड। तो बच्चा हैरान होकर पूछता है, परंतु बाबा, हम लकड़हारों को कैसे समझाएं कि पेड़ नहीं काटने चाहिए? तभी मोर कहता है, देखो मोर, हम सब मिलकर फूल और फल इन पेड़ों पर टांग देते हैं, शायद लकड़हारे समझ जाए कि हमारे मन के अंदर क्या है। तो मोर ने क्या उपाय दिया कि हम सब मिलकर इन पेड़ों पर फल और फूल टांग देते हैं, शायद ये देखकर वो समझ जाएंगे कि हमारे मन के अंदर क्या है। सब बच्चे और जानवर मिलकर पेड़ों को फूलों और फलों से सजा देते हैं और लकड़हारों को आता हुआ देखकर पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। लकड़हारे सजे हुए पेड़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब सभी बच्चों ने मोर की बात मान ली और उन्होंने क्या किया कि सब पेड़ों पर फूल और फल सजा दिए, और जब लकड़हारे आए तब वो पेड़ों के पीछे छिप गए। अब लकड़हारों ने जब इन पेड़ों को इतना सजा हुआ सुंदर देखा तो एकदम हैरान रह गए। पहला लकड़हारा, अरे ये सजे हुए पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर पेड़ों को तो मैं नहीं काट सकता, ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ बताना चाहते हैं। दूसरा लकड़हारा, हाँ तुम सही कह रहे हो, जब इतने सुंदर पेड़ देखे तो पहले लकड़हारा जब इन सुंदर सजे हुए पेड़ों को देखा तो पहला लकड़हारा बोला कि ये सजे हुए पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं और इसको तो मैं नहीं काट सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ
बताना चाहते हैं। और दूसरा लकड़हारा भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। लकड़हारों की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी बच्चों और जानवरों के साथ बाहर आता है। जब ये दोनों लकड़हारे बात करते होते हैं तो उसके बाद बूढ़ा आदमी और बच्चे जो कि छुप गए थे वो बाहर आते हैं। बूढ़ा आदमी लकड़हारों से, यदि तुमने ये सब पहले सोचा होता तो चारों ओर प्रदूषण नहीं होता। चलो अभी भी देर नहीं हुई है। तो यही बूढ़ा आदमी समझाता है कि पहले से तुम लोगों ने ये सोचा होता कि ये पेड़ कितने सुंदर है, हमें नहीं काटना चाहिए, तो इतना सारा प्रदूषण नहीं होता, इतनी सारी हवा दूषित नहीं होती। और फिर भी कहते हैं ना कि जगे तब से सुबह, तो अभी भी देर नहीं हुई है। दोनों लकड़हारे एक साथ, बाबा हमें क्षमा कर दो, आज से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे, उन्हें काटेंगे नहीं। तो दोनों लकड़हारों को अपनी गलती समझ में आ गई और एक साथ बोले कि बाबा हमें क्षमा कर दो। क्षमा मतलब माफ कर दो, फॉरगिव। आज से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे और कभी उनको काटेंगे नहीं। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और खुशी से गाने लगते हैं। जब लकड़हारों ने कहा कि हम लोग अब ढेर सारे मतलब बहुत सारे पेड़ उगाएंगे और काटेंगे नहीं, तब ये सुनकर सब बहुत खुश हो गए और खुशी से गाने लगे। तो बच्चों ये पाठ की चर्चा हम यहीं पूरी करते हैं। आपका गृह कार्य है कि आपको इसके श्रुतलेख और शब्द अर्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेने हैं और याद करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।